नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका सिंह। बोचहां विधानसभा में मिले जीत को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार पर हमला बोला। जगतानंद सिंह ने कहा कि जनता एनडीए सरकार के खिलाफ है और पूरे देश में बिहार की जनता ने संदेश दिया है कि एनडीए के खिलाफ चले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाया था, जिसको बिहार की जनता ने सुना और माना और एनडीए को हराया और राजद को भारी मतों से विजयी बनाया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह ने सरकार पर हमला बोला है और अपनी बातों को रखा है। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है तरीके और बोचहां महान जनता इस विजय की है, मैं बधाई देता हूँ। अपने सभी उन साथियों जो वहाँ पर परिश्रम किए हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी कार्यकर्ता जो कार्य किए हैं, संदेश इस विजय को एक साधारण अंक का विजय आप लोग मत मानिए, एक गणित का विजय नहीं, ये लोगों की भावना का प्रदर्शन है, ये जनविद्रोह का प्रतीक है। वर्तमान की सरकार भाजपा और नीतीश कुमार नेतृत्व के खिलाफ जन विद्रोह है, शायद इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ये केवल तेजस्वी जी के कागज के प्रमाण पत्र को देख रहे हैं और तेजस्वी जी ने पूरी बिहार की जनता को एक संदेश देने का काम किया कि समाजवादी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और सौ की पार्टी। धीरे धीरे गलत फहमी लोगों की दूर हो गई, जो इन लोगों ने विरोधियों ने लालू जी का जो गलत फहमी पैदा किया था, वो गलत फहमी आम जनता का धीरे धीरे होता है। इस अवसर पर बोचहां की महान जनता को जो पूरे बिहार को संदेश दिया है, या बिहार के संदेश को प्रतीक के रूप में जो वहाँ स्वीकार कर केवल फैसला दिया है, उस महान जनता को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम सब धन्यवाद भी देते हैं, स्वागत भी करते हैं और भविष्य की राजनीति में इसी तरह आम जनता की एकता बनी रहेगी तो तेजस्वी के नेतृत्व में एक प्रभावशाली गतिशील संवेदनशील जो आम जनता की जन समस्याओं की भावनाओं को समझ कर राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा। लंबे समय से इन्होंने एक भारी गलतफहमी पैदा किया था, इसलिए आप केवल गणितीय वित्त की मत इसको समझिए, इसके पीछे का जो जनता का संदेश है वो समझने की जरूरत है। और इस जनता के संदेश को आप हम सब नहीं समझेंगे, गर्भवानी हम लोग को बोल देंगे। हो सकता भीतर से प्रसन्न भी हों, भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? सबसे प्रश्न है भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? उन्होंने किसी जगह को छोड़ा है क्या? हर जगह पर जहाँ वो जाना चाहेंगे दरवाजे बंद हैं, मजबूरी में जहाँ वहाँ रहें या जनादेश को समझ करके प्रतिष्ठा के साथ कुर्सी छोड़ करके अलग हो।